शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर प्रतिष्ठानों के नाम एवं डीलरशिप की सूचना के होर्डिंगों की विज्ञापन फीस जमा कराने के लिए नगर परिषद की ओर से अधिकृत ठेकेदार डिस्कवरी आउटसोर्स द्वारा व्यापारियों को दिए गए डिमांड नोटिसों को लेकर व्यापार संघ संघर्ष समिति ने विरोध जताया। समिति ने गुरुवार को नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन देकर नोटिसों को रद्द कराने और ऐसी व्यवस्था को बंद कराने की मांग की, अन्यथा आंदोलन की भी चेतावनी दी है। संघर्ष समिति द्वारा आज कमिश्नर साहब से फिर मुलाकात की गई, जो ठेकेदार द्वारा अनैतिक तरीके से जिस तरह से व्यापारियों को विज्ञापन शुल्क के नाम पे नोटिस दिए जा रहे हैं, वो व्यापारी किसी भी तरीके से उस बात से सहमत नहीं है। व्यापारी अपनी दुकान पे लगे हुए किसी भी बोर्ड का कोई भी पैसा देने को तैयार नहीं है, ना दिया जाएगा। इस बाबत हमने कमिश्नर साहब से आज फिर दोबारा से मुलाकात की है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इस मुद्दे को वो सोमवार तक तय करके निश्चित करके वापस इसका हल निकाल देंगे। तब तक के लिए ना व्यापारी को कोई नोटिस आएगा और पुराने नोटिस जो आए हुए हैं उनको रद्द कराने के लिए भी उन्होंने हमें आश्वस्त किया है, वो भी वो रद्द करवाएंगे। आगे हम व्यापारी जो है हमारी दुकान पे लगे हुए, हमारे प्रतिष्ठान पे लगे हुए, हमारे शोरूम पे लगे हुए किसी भी विज्ञापन या हमारे स्वयं के बेचने वाले सामान का कोई भी बोर्ड, उसका पैसा हम किसी रूप में देंगे नहीं। अगर इसका अगर कोई भी सब डीलर कोई भी अधिकृत विक्रेता जो जिस सामान का विक्रय करता है उस सामान के प्रति ही वो जिम्मेवार है, उसका पैसा नहीं दिया जाएगा। अंदर कहीं भी किसी तरह का बोर्ड लगा हुआ है, नगर परिषद या ठेकेदार उसका पैसा वसूल करती है, तो व्यापारियों को उससे कोई आपत्ति नहीं है। और इस बाबत हमें नगर परिषद ने कमिश्नर साहब ने आश्वस्त किया है, अगर ये मुद्दा मंगलवार तक सोल्व नहीं हुआ तो व्यापारी फिर आंदोलन की राह पकड़ेंगे, जिसके लिए पूर्ण रूप से प्रशासन जिम्मेवार होगा। व्यापारी अपना शांतिपूर्वक काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक इसका हल निकाला जाए। व्यापार संघ संघर्ष समिति के नेतृत्व में आज कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया गया और मंगलवार शाम तक का हमने उनसे उन्होंने कहा है कि हमारी चेयरमैन साहब से और हमारी आपस में बातचीत होकर के और ठेकेदार को बुला करके हम बातचीत करेंगे और उसका कोई ना कोई सोल्यूशन व्यापारियों के निश्चित रूप से पक्ष में हम लाएंगे। तो जो चार्जेज ठेकेदार द्वारा वसूल किए जा रहे हैं, जो पूर्व में इशू किए गए हैं ये उनके द्वारा नोटिस, वो उनका समाधान भी करेंगे। और व्यक्तिगत रूप से जो आज उन्होंने ये कहा कि मैं पिछली मीटिंग का भी ब्यौरा जानता हूँ और वर्तमान जो आप बता रहे हो कि आज भी 7 तारीख तक जो है ये नोटिस जो है जारी किए गए हैं, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि किसी भी तरीके से जो पूर्व में किए गए हैं या वर्तमान किए गए हैं वो नहीं किए जाएं। जब तक इस काम का इस बात का कोई सोल्यूशन नहीं निकले तब तक आप कोई नोटिस जारी नहीं करें और पूर्व में जो जारी किए गए उनको आप निरस्त करें। जो भी करना है इसका सोल्यूशन करें। व्यापारी ये चाहते हैं कि शांतिपूर्वक अच्छे तरीके से इसका सोल्यूशन हो, नहीं तो हम पूर्णतः सभी व्यापारिक संगठन इस बात के लिए तैयार है संघर्ष समिति के नेतृत्व में कि हमें एक बड़ा आंदोलन यहाँ निश्चित रूप से करना पड़ेगा। अगर माननीय विधायक महोदय, माननीय सभापति जी, माननीय कमिश्नर साहब, हमने सबसे निवेदन कर दिया है उस बात पर गौर फरमाए। ये व्यापारियों के हितों का बहुत बड़ा मामला है और बहुत तरीके से कल नवलगढ़ रोड पे कम से कम 15 जगह उन्होंने काटने की कोशिश की, वहाँ ठेकेदार के आदमी गए और एक तो उनको बातचीत का तरीका भी बहुत अच्छा नहीं है, बातचीत का तरीका उनका बहुत अलग तरीके का है जो एक व्यापारी हित में नहीं है और शोभा भी नहीं देता उनका। तो मेरा निवेदन है वो अपनी भाषा को भी नियमित और संयमित रखें। वहीं नगर परिषद आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई ने जल्द ही कमेटी की बैठक में निर्णय लेकर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान संजीव नेहरा, अरुण फागलवार, रूगजी चौधरी, राजकुमार धूत, नितेश पारमुवाल, देवकी नंदन पारिक, राधेश्याम पारिक, मनीष बियानी सहित अनेक व्यापारी मौजूद रहे। द्वारा जो विज्ञापन का जो ठेका किया गया, टेंडर किया गया, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर लोग कंपनियों का ब्रांड का विज्ञापन करते हैं, तो उसके विज्ञापन हेतु ये अपने ठेका किया था जिसमें लोगों के द्वारा जो कर वसूला जा रहा है, जिसका व्यापारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है कि हमारे प्रतिष्ठान पर जो माल हम बेचते हैं हम उसी का विज्ञापन लगाते हैं, तो उसका हमसे कोई शुल्क नहीं लिया जाए। इस पर उनकी मांग है कि इसको संशोधित करके और हमें इसे कर से मुक्त किया जाए। इस संबंध में नगर परिषद की कमेटी है वो बैठेगी, सभापति मुद्दे के अध्यक्षता में डिस्कशन करेंगे और इनको क्या रिलीफ दी जा सकती है वो विचार विमर्श करके सोमवार तक हम इसकी कोई रणनीति तैयार करेंगे।